एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो आजकल हम इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अभी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। तो इसमें एंग्जाइटी को डिफ्रेंशिएट करना नॉर्मल ह्यूमन इमोशन से और एक बीमारी से, वो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर बी कपूर, कंसल्टेंट सेक्रेटरी मणिपाल हॉस्पिटल हैबाल से हूँ, और आज हम एंग्जाइटी न्यूरोसिस के बारे में बात करेंगे। किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, फिक्र करना, वरी करना, विच इज़ नॉर्मल ऑल्सो, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको बीमारी कब बोलते हैं, जब वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी फंक्शनल, हमारी डिलीवरी ऑफ आवर प्रोडक्टिविटी उसमें इफ़ेक्ट करती है, तो उस स्टेज में जाके, और हमारे सोशल और फैमिली रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो उस स्टेज में जाके उसको एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं और उसकी इलाज करने की ज़रूरत है। ये एंग्जाइटी के कारण ऐसे हैं कि एक तो हर एक आदमी का टॉलरेंस जो है स्ट्रेसेस का अलग रहता है। जिनका टॉलरेंस एंग्जाइटी के लिए कम है उनको ज़्यादा जल्दी ये रोग पकड़ता है, और जिसमें थोड़ा फैमिली हिस्ट्री हो उसमें भी उनको ज़्यादा प्रोननेस हो जाती है, और कुछ बीमारियां भी हैं, फिज़िकल बीमारियां हैं वो एंग्जाइटी दे सकती हैं। जैसे सीरियस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो पेशेंट एंग्शियस हो जाता है, मेरा क्या होगा आगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, और सरकमस्टांसिस की जो हालात, जैसे समझिए आप फाइनेंशियल हैं, डोमेस्टिक हैं, किसी की डेथ हो गई, किसी की फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट हो गए, तो दीज आर ऑल, ये सब चीज़ें मिल के एंग्जाइटी कॉज कर सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम नंबर वन मैं मानूंगा कि रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेसनेस, घबराहट, रिलैक्स नहीं कर सकते, पूरा बॉडी टेंस रहता है, मसल्स पूरे टेंस हो जाते हैं, हाथ में कंपन आ सकती है, और हाथ से पसीना आना, भूख मिट जाना, और ये आपका नींद का डिस्टर्बेंस आ जाना, ये मेजर सिम्टम एंग्जाइटी के। ये जो माइल्ड एंग्जाइटी है तो हम कोशिश करते हैं पेशेंट को ट्रेन करने के लिए भी आप थोड़ी सेल्फ़ हेल्प करके देखिए, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इंडल्जेंस इन हॉबीज़, पॉजिटिव थिंकिंग। जब ये सब चीज़ नहीं काम करती है तो हमको फिर मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। उसमें हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन जो एंग्जाइटी को ट्रीट करते हैं, तो उनका रेगुलर यूज़ से, प्रॉपर यूज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन, बहुत अच्छा रिस्पांस हो जाता है, एंड दिस ये जो प्रॉब्लम एंग्जाइटी की रिकवर हो जाती है।